नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन है, एक डिफेंस पर्सन हूँ। मैं यहीं अम्बीवाला शुक्लापुर में रहता हूँ। चाहे मैं इनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो आर्मी की लाइफ किस तरह की होती है, आपको मजा आता है? आपको अभी नई गाड़ी पकड़ा दी जाए, थोड़ी बड़ी गाड़ी, नई गाड़ी, तो आप इसको किस तरह से हैंडल करेंगे? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है महेश शर्मा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ड्राइविंग सिखाता हूँ, और अगर आप भी मुझसे ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो मेरे नंबरों पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और ड्राइविंग सीख सकते हैं। और अगर आप इसी तरह से मेरे वीडियोस के थ्रू नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आगे भी इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। आइए जानते हैं आज हमारे साथ कौन है हमारे न्यू स्टूडेंट जो कि हमसे गाड़ी सीख रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन है। जैसे कि सर बता रहे हैं, मैं नया स्टूडेंट था, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था, और मैं एक डिफेंस पर्सन हूँ। मैं यहीं अम्बीवाला शुक्लापुर में रहता हूँ। तो सर की मैंने वीडियो यूट्यूब पे देखी, उसके थ्रू मैं सर से कांटेक्ट किया और सर के पास आया। मैं इनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप भी इनसे सीख सकते हैं, यूट्यूब पे इनके वीडियो देख सकते हैं और इनके ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए, और इनके नंबर दिए रहते हैं और बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। ये सिखाने का तरीका बढ़िया है और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे सीख के, और बहुत ही बेहतर और उम्दा ही इनकी बोलने की शैली भी है, व्यवहार भी है इनका। तो आइए आप इनके YouTube चैनल को देखिए, ऑप्टिमम वीडियो देहरादून करके इनका YouTube चैनल है, उन पे इनके वीडियो डले होंगे और इनका नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए और प्लीज़ विजिट करिए और सर से सीखिए, बहुत ही बेहतरीन सिखाते हैं। नवीन बाबू, आप आर्मी में कितने साल से जॉब कर रहे हैं? मेरे को सर 13 साल हो गए हैं आर्मी में। तो आर्मी की लाइफ किस तरह की होती है, आपको मज़ा आता है? आर्मी के लिए आप कह तो नहीं सकते, देखने से बाहर से सभी को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगा था। जैसे जैसे हम अंदर गए और अंदर हमने माहौल देखा, पर ये होता है कि आदमी मतलब जब अंदर चले जाता है उसके बाद आदमी माहौल में ढल जाता है और बाकी मज़ा आता है उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है, पर टफ है ज़रूर। तो गाड़ी सीखते हुए आपको कितने दिन हो गए आज? मेरे को आज 10-11वां दिन है आज मुझे गाड़ी सीखते हुए। तो अगर आपको अभी नई गाड़ी पकड़ा दी जाए, थोड़ी बड़ी गाड़ी, नई गाड़ी, तो आप इसको किस तरह से हैंडल करेंगे? इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, और बाकी तो आप गुरु हैं, आप ही बता सकते हैं कि कितना सीख पाया हूँ मैं। क्योंकि देखो, हर कोई नया बंदा हो या थोड़ा बहुत सीख जाता तो आदमी सोचता है कि मैं सीख गया हूँ, मुझे आ गया है, और आदमी ओवर स्पीड या मतलब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो वो चीज़ें तो आप ही बता सकते हैं, पर इतना है कि कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आराम से हैंडल कर लूँगा गाड़ी। तो नवीन जी, आपको वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया आपका।